Good evening to all of you. Today we will learn chapter 10 a paradise for migratory birds. Means paradise. What is the meaning of paradise? Paradise means a place of heaven, swarag. सो फॉर पैराडाइज मीन्स स्वर्ग किन के लिए फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रवासी पक्षी सो so जो बर्ड्स बाहर से आती है माइग्रेशन का वर्ड ये होता है कि जो वहाँ का नहीं है जो बाहर से आया हुआ है जिनका बर्थ ओरिजिन अलग जगह पे है इन्हें हम कहते हैं माइग्रेटरी सो यहाँ बर्ड्स के लिए बोला जा रहा है कि एक स्वर्ग जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है सो लेट्स एक्सप्लोर दिस चैप्टर

हैव बिगन फ्लोकिंग टू इकोलॉजिकल रिज उन्होंने क्या किया है उन्होंने झुंड की झुंड फ्लोकिंग मीन्स होती है ग्रुप पे सो so, उन्होंने ग्रुप पे उड़ना शुरू करके वो कहाँ आ रही हैं इकोलॉजिकल रिज डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान दिस ईयर इस साल वो सबसे रिच इकोलॉजिकल रिच हमें इकोलॉजिकल रिच क्यों कहा जा रहा है देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ क्लाइमेटिक वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बर्ड्स होती हैं बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सपोर्टिव है और दैट इज़ द रीज़न वाई कोई भी बर्ड इंडिया को छोड़ के इंडिया की कोई भी बर्ड्स कहीं नहीं जाते इवन अदर डिस्ट्रिक्ट अदर कंट्रीज़ की जो बर्ड्स होती हैं अदर नेशंस की जो बर्ड्स होती हैं वो यहाँ आती हैं सो so, यहाँ पे फर्स्ट पैरा में आपको यही बताया जा रहा है कि राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट पे बहुत सारी माइग्रो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो आ रही हैं यहाँ से चाइना से और यूरोप से राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट पे इस साल ऑल दो लिटिल लेटर दैन न्यूजवल मतलब हर साल जिस जिस तरह से वो आती है उससे थोड़ा सा लेट इस साल पर उन्होंने आई हुई हैं विथ देयर वेटलैंड्स, थिक फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज द फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हदोती कोटा बूंदी बैरन एंड झलवर सो यहाँ फोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की फोर डिस्ट्रिक्स के नेम दिए हुए हैं कोटा बूंदी बैरन एंड झलवर ये चार पे जो बर्ड्स हैं वो आई हुई हैं। हैव नॉम कम टू रिकोगनाइज एज अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एमोंग फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट सो so, ये जो जगह ये यहाँ इसलिए आई हुई है क्योंकि ये स्वर्ग जैसा है माइग्रेटरी जो बर्ड्स जो बाहर की बर्ड्स हैं उनके लिए ये जगह बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है अमोंग फॉरन एज वेल एज़ डोमेस्टिक टूरिस्ट मीन्स जो फॉरिन बाहर से जो लोग आए हैं न सिर्फ बाहर से जो लोग आए हैं बल्कि यहाँ की भी मीन्स इंडिया पर भी अगर आप देखेंगे बाकी स्टेट्स की भी जो बर्ड्स हैं वो वहाँ गई हैं सो so, न सिर्फ बाहर से अदर कंट्री से आई हुई बर्ड्स के लिए इवन जो इंडिया की ही बर्ड्स हैं उनके लिए भी वो जो फोर डिस्ट्रिक्स के नेम दिए हुए हैं राजस्थान के हडोटी डिस्ट्रिक्ट के सो जैसे कोटा बूंदी बैरन एंड झलवर ये सारे एक पैराडाइज जैसा है स्वर्ग जैसा है हडोटी इज द सेकेंड होम फॉर द माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम चाइना हडोटी जो है सेकेंड होम सेकेंड होम हम किसे कहते हैं वह जगह जहाँ आप मैक्सिमम टाइम पे रहते हैं घर पे के बाद वह जगह जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसे कहते हैं हम सेकेंड होम सो यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं चाइना की चाइना की जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए हम लोग कह रहे हैं कि हदौटी जो जगह है वो उनके लिए सेकेंड होम की तरह है क्यों क्योंकि या तो वो चाइना में स्टे करते हैं अदरवाइज वो क्लाइमेट के कारण फेवरेबल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट के कारण राजस्थान के हथौटी प्लेस पर रहते हैं लद्दाख एंड यूरोपियन कंट्रीज़ The arrival of these birds is a bit late this year, but now, with a deep in temperature, the number of arriving birds is increasing, says Rajinder Singh, Nathavat, District Forest Officer, Bundi. सो so, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस साल इस साल जो बर्ड्स की नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो गई क्योंकि टेम्परेचर में बहुत डिप है टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशन के कारण इस साल जो आने वाली बर्ड्स हैं जो बाहर से बर्ड्स आती हैं उनकी नंबर बहुत बढ़ गई हैं ऐसा किन्होंने रिपोर्ट किया फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ मिस्टर राजेंद्र सिंह ने ऐसा रिपोर्ट किया एवरी विंटर हंड्रेड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स थ्रोंग टू द वाटर बॉडीज़ ऑफ द हथोडी रीजन हर साल ठंड में बहुत सारी माइग्रेटरी प्रवासी पक्षी जो है वो वाटर बॉडी मतलब मतलब पानी के आपने देखा होगा बर्ड्स या कोई भी एनिमल्स होते हैं तो उनको सब हम सभी लिविंग थिंग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी सो so, इसीलिए बहुत सारी वाटर बॉडीज़ के आसपास जो हथौड़ी की वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ आस बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं प्रवासी पक्षी हैं वो उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं कलेक्ट हो जाते हैं एंड स्टे हीयर फ्रॉम अक्टूबर टू लेट मार्च और वो यहाँ कब तक रहते हैं अक्टूबर से मार्च तक वो यहाँ स्टे करते हैं रहते हैं इट इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर टूरिस्ट इंडस्ट्री इन द रीज़न वे थाउजेंड्स ऑफ फॉरन एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट रस्ट ड्यूरिंग विंटर ये इस समय का जो सीज़न होता है जैसा आप सभी को पता है कि विंटर टाइम इज़ अ वैकेशन टाइम एंड टूरिज्म टाइम सो टूरिस्ट इस ये ऐसा भी समय है जब फॉरेन इंडस्ट्रीज़ टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी ये टाइम अच्छा है क्योंकि बाहर के फॉरेन के या डोमेस्टिक टूरिस्ट जो होते हैं वो इस टाइम पर इस जगह पर विज़िट करते हैं वाई बिकॉज़ राजस्थान अगर आप विज़िट करेंगे तो गर्मी के दिन में समर के टाइम में वो बहुत समर बहुत ज़्यादा हीट होती है बट विंटर के समय में वो फेवरेबल कंडीशन होती है इसीलिए ना सिर्फ बर्ड इवन ह्यूमन्स भी उस जगह पे विजिट करने के लिए जाते हैं लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज अकॉर्डिंग टू बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट्स मीन्स जो बर्ड्स वॉचिंग एक्सपर्ट्स होते हैं जो पक्षी विशेषज्ञ होते हैं उनके अनुसार देयर आर मेनली टू सीजन फॉर दीज एक्टिविटीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द रीज़न मीन्स उनके लिए केवल दो ही सीजन्स होते हैं जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स इस समय पर आते हैं द मानसून सीजन एंड द विंटर सीजन मानसून के समय में या ठंड के समय में फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एंड वेन दे रिटर्न टू देयर नेटिव सो जब वो अपने घर नेटिव प्लेस पे लौटते हैं उस समय या तो अक्टूबर का मार्च का समय इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं ऐसे कौन बता रहे हैं बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट्स ऐसे बता रहे हैं देन आफ्टर प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ एक्टिविटिस्ट एंड बर्ड वॉचर फ्रॉम कोटा सो प्रोमिनेंट मीन्स बहुत अच्छी तरह से जो विशेषज्ञ हैं वाइल्ड लाइफ के एक, और जो बर्ड्स वॉचर हैं मीन्स जो पक्षियों की देख रेख कर जो जानकारी रखते हैं मिस्टर आर एस तोमर पॉइंट्स दैट बर्ड्स स्पीशीज लाइक द बार हेडेड गूस एंड द रेडी शेड लेग एंड ग्रे लेग गूस अराइव्ड हियर फ्रॉम यूरोप एंड सेंट्रल एशिया सो मिस्टर आर एस तोमर जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है एंड बर्ड वॉचर हैं जो कि पक्षी विशेषज्ञ हैं वो जो नज़र रखते हैं पक्षियों पर वो बताते हैं कि हमारे समय यहाँ पे राजस्थान में बहुत बार हेडेड गोज़ ये नेम है स्पीशीज़ की बहुत सारी अदर स्पीशीज़ जो इंडिया की नहीं है जैसे रडी शेड लेक एंड ग्रे लेग गोज़ ये सभी भी सेंट्रल एशिया या यूरोप से इंडिया पे इस समय पे यहाँ विजिट करती हैं आई हैव माई सेल्फ रिसेंटली सीन कॉलोनीज ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड एट द उदयपुरिया एंड उम्मेदगढ़ वाटर बॉडीज़ ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट ही सेर्स उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अभी अभी इनकी पूरी कॉलोनियाँ देखी है माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी पूरी कॉलोनियाँ देखी हैं उनकी पूरी कॉलोनी मीन्स यहाँ कॉलोनी से मीन बेसिकली मीनिंग ये है कि बहुत सारी बर्ड्स को उन्होंने देखी है कहाँ पे उदयपुरिया एंड उम्मीद गढ़ ये क्या है उमेदगंज और जो उदयपुरिया है ये एक वाटर बॉडीज़ है कोटा की कोटा की जो कोटा है राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है सो इस जगह पे वाटर बॉडीज़ के पास में उन्होंने ये मॉड माइग्रेटरी बर्ड्स की कॉलोनी देखी है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेंक्शन ओवर सेवन लैक्स फॉर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ दिस टू प्लेसेस इसी को देखते हुए क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स भी यहाँ आती है इनके देखते हुए जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने सेवन लैक्स रुपीज़ बर्ड्स की सेफ्टी और बर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए सेंक्शन किए हैं मीन्स दिए हैं थ्रू आउट द सीजन दिस बर्ड्स मेक देयर प्रेजेंस फेल्ड विथ देयर मेलोडियस सिंगिंग एंड चीरपिंग ओवर द प्लेस वाटर बॉडी सो इस सीज़न में जो बर्ड्स हैं वो अपनी अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट मीन्स अपनी मौजूदगी अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं कैसे बाई देअर मेलोडियस मीन्स मेलोडियस सिंगिंग बहुत ही आपने देखा होगा बर्ड्स हमेशा साउंड्स करती हैं तो ये सारी जो बर्ड्स हैं उनकी स्वीट वॉइस बहुत ही स्वीट होती है सो so, अपनी वो चिरपरिंग चिरपिंग मीन्स चहचहाना अपनी चहचाहट से अपनी बहुत ही अच्छी मधुर आवाज में गाना गा के वो वाटर बॉडीज़ के आसपास पूरी अपनी जो ऐसे अपनी जो मौजूदगी है उसका वो एहसास कराती हैं कौन बर्ड्स जो माइग्रेट बर्ड्स हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कैसे कराती हैं अपनी स्वीट सॉन्ग के द्वारा और अपनी चिरपरिंग के द्वारा मीन्स अपनी चहचाहट से वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज आती हैं वाइल्ड लाइफ फ्लवर पृथ्वी सिंह राजवाड़ सीस पेलीकेटिकुलरली ग्रे पेलीकेर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सो जो वाइल्ड लाइफ फ्लवर पृथ्वी सिंह राजवाड़ है वो बताते हैं कि जो पेलीके पर्टिकुलरली ग्रे ये कौन है ये बर्ड्स की एक स्पीशीज है वो यहां आ जाती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पे ऐसा उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया डीम रिजर्वॉर्स Tanks and lands river of Hadoti offer excellent bird watching opportunities. The reservoir of Kota Barrage. राना प्रताप सागर डेम आर ही वाटर लैंड एंड सपोर्ट द हेल्थी पॉपुलेशन ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स सो यहाँ की जो डेम्स हैं जो नदियाँ हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और वहाँ हम ये सारी ऑप देख सकते हैं कि जितनी भी बर्ड्स आती हैं उनको हम देख सकते हैं ये ऑपरचुनिटी हमें यहाँ पर मिलती है ऐसा बता रहे हैं राणा प्रताप ओके okay, राणा प्रताप सागर डैम में भी इसकी हम वाटर लैंड्स जो वाटर बॉडीज़ है उसे भी देख सकते हैं किसे और यहाँ पे हम जो रेजिडेंट मतलब यहाँ की बर्ड्स को भी देख सकते हैं और जो प्रवासी पक्षी हैं जो माइग्रेट बर्ड्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं साइटिंग ऑफ ओवर वन टेन स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स हैव बीन रिपोर्टेड दारा रामगढ़ एंड एंड विषधारी एंड शेषगढ़ सेंचुरी आर नोन एज बीन एवियन डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट लविंग बर्ड्स सो हम लोग यहाँ वन टेन स्पीशीज़ से भी ज़्यादा वाटर बर्ड्स जो हैं यहाँ पे रिपोर्ट करती है मीन्स हर एवरी ईयर मोर देन वन टेन स्पीशीज़ जाती वन वन टेन से भी ज़्यादा जो प्रवासी पक्षियों की स्पीशीज़ है स्पीशीज़ मीन्स उनकी जो वैरायटी है उनकी जो टाइप है वो यहाँ विज़िट करते हैं और किस किस जगह पे हम उन्हें देख सकते हैं दारा राम रामगढ़ विषधारी शेरगढ़ ये सारी जो जगह है वो जानी जाती है कि यहाँ पे बहुत सारी फॉरेस्ट बर्ड्स जो ल, जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं वो देखी जा सकती है सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द बर्ड्स एज वी नो दैट इंडिया की जो क्लाइमेट है आपको पता है कि वो बहुत फेवरेबल होती है स्पेशली so, विंटर के टाइम पे सो अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो समय होता है उस समय पे ये माइग्रेट बर्ड्स यहाँ आती हैं विजिट करती हैं और इस बीच कहाँ कहाँ से बर्ड्स आती हैं चाइना से एशिया से ये सारी जगह से यहाँ पर बर्ड्स आती है सो दिस होल चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द बर्ड्स हाउ माइग्रेट बर्ड्स आर कमिंग टू इंडिया एंड हाउ आर दे लिविंग टू इंडिया दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट Thank you for watching us. Thank you.